उस टाइम पे मतलब आई वुड शेयर दिस थिंग विद यू, मेरे मम्मा पापा दे वर लिटरली क्राइंग और मुझे भी रोना आ गया. एंड दिस आई वाज इन 10th क्लास, आई स्टिल रिमेंबर. तब से मेरे को ये था कि आई वुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है ना. तो फिर ग्रेजुएशन तो करनी होती है, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट. और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इट. एनीबडी कैन मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, तो मुझे लगता है देर आर 60-70% चांसेस कि उन लोगों का, अगर दे आर रीडिंग इट इन द राइट मैनर, वो रिपीट कर रहे और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे, देर आर मेनी चांसेस कि आपका हो जाएगा. और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर, मैं आप सबका खैर मकदम. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है JKS क्वालिफायर मुइन खान, जिन्होंने पूरे कश्मीर में टॉप किया है. हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त टॉपर है. पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी कश्मीर की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि आपने JKS एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. तो अक्सर कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखें? वो तो है, एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल भी होता है, कॉम्पिटिटिव भी है, लेकिन मुझे लगता है अगर मेहनत करेंगे तो फिर खुदा का साथ हो तो आप, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, एनी बडी कैन. अगर आप, इफ़ यू सेट योर गोल, आप उस चीज़ पर वर्क करेंगे, यू कैन क्रैक इट. तो किस चीज़ ने आपको इस एग्ज़ाम को मैं पार्टिसिपेट करने का, या इस ये शौक जो आपके ज़िंदगी में आए, ये गोल जो बन गए, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मैम, बचपन में ही, आई वॉज इन 10th क्लास, आई स्टिल रिमेंबर. तब से मेरे को ये था कि आई वुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है ना. तो फिर ग्रेजुएशन तो करनी होती है, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट. और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इट. तो प्रिपरेशंस किस तरीके से होती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दिन रात एक करना पड़ता है तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक दो चांसेस होते हैं, एक दो ट्राइज देने पड़ते हैं, तो आपकी तरफ से जो है वो क्या क्या कुछ? मैम, प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, वो ये होता है कि हम रोज़ रोज़ मतलब अपने को वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते. सो इफ़ एनीबडी कैन मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, तो मुझे लगता है देर आर 60-70% चांसेस कि उन लोगों का, अगर दे आर रीडिंग इट इन द राइट मैनर, वो रिपीट कर रहे और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे, देर आर मेनी चांसेस कि आपका हो जाएगा. और अगर आप मॉक्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे हैं टाइमली, सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़. आपने क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करना चाहते हैं और जिन्होंने एक दो चांसेस दिए भी हैं लेकिन स्टिल वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या बेस्ट वे है पढ़ने का, क्या बेस्ट वे है सिलेबस कम्प्लीट करने का, ताकि वो भी अगली बार आपके जैसे एक और टॉपर जो है कश्मीर के सामने आए? मैम, मुझे लगता है जो सबसे पहले बेस्ट वे जो होता है, देर इज़ नॉट ए बेस्ट वे, देर इज़ द वे जिसको हम बोलते हैं रिपीट रिपीट एंड रिपीट, ठीक है. तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रिपीट इट, यू हैव टू मास्टर डैट. जितना भी आपका सिलेबस है, जो आपकी बाउंड्रीज है, आपको उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स और यू जस्ट हैव टू रिवाइज दैम. तो जो इसमें ज़्यादा बार ये चीज़ें करेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, मॉक्स देगा, आई थिंक ही कैन गेट थ्रू, ही और शी कैन गेट थ्रू. तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो कितनी खुशी आपको भी, साथ साथ आपकी फैमिली को, क्योंकि जब बच्चा कुछ करता था तो माँ बाप खुद ब खुद खुश होते, तो उनका रिएक्शन क्या था? हम अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई थैंक अल्लाह की सिलेक्ट हो गया, क्योंकि हमेशा कि मतलब सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि किस्मत भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत व्हेन यू क्वालिफाई दीज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स, ठीक है ना. तो मेहनत तो होती ही होती है साथ में, तो अल्लाह ने साथ दिया, सबसे बड़ी बात है. और पेरेंट्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुश हुए, और सारे रिश्तेदार भी, फ्रेंड्स मेरे, एवरीबडी. तो लेकिन पेरेंट्स की खुशी, इट वॉज अल्टीमेट. तो पहला रिएक्शन जो था वो कैसा था, जब सुना कि क्वालिफाई हुआ, तो पहला रिएक्शन जो था वो कैसा था, क्योंकि चेहरे पे खुशी है इस वक्त, और तब की खुशी कैसी होगी? तो मैम, उस टाइम पे मतलब आई वुड शेयर दिस थिंग विद यू, मेरे मम्मा पापा दे वर लिटरली क्राइंग और मुझे भी रोना आ गया. दिस इज सच में आउट ऑफ हैप्पीनेस, राइट राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इट्स ग्रेट, इट फील्स ग्रेट. यहां पे आपने बोला कि लक भी होना चाहिए, तो आप अक्सर लोगों का कहना होता है कि हार्ड वर्क प्लस लक, तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं वाकई में? हार्ड वर्क तो होती रहती है लेकिन लक भी मैटर करता है कहीं ना कहीं. मैम, ये तो देखें आप, ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ये ऐसा नहीं, मतलब इट टेक्स यू 2 ईयर्स, एग्ज़ाम कंप्लीट होने में ही 15-16 महीने लग जाते. सो उस टाइम पे कंसिस्टेंट रहना, वो भी लक की बात है कि आपके लाइफ में कुछ वैसा नहीं हो रहा है, देयर इज नो ट्रॉमेटिक इवेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वो तो रहता है. लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो भी आपने हार्ड वर्क की होती है ना, मुझे नहीं लगता दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ की क्वालिफाइंग KAS और UPSC. इसके बिना भी जब भी आपने मेहनत की होती है, आई डोंट थिंक वो ज़ाया कभी जाएगी. तो आपके फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है, क्या कुछ आगे आप करना चाहते हैं और किस तरीके से वो सब हो? मैम, पहले तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई एम एंथुजियास्टिक कि मैं सर्विसेज ज्वाइन कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट, ये मेरा मतलब ड्रीम था बचपन से. तो आई हैव
खुदा के शुक्र से मैंने वहाँ तक मैं पहुँच पाया तो, लेकिन आई वुड जस्ट ट्राई कि अगर मैं इस लैडर में ऊपर जा सकूँ थोड़ा सा, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट, तो यूपीएससी के इफ़ आई गेट टाइम ड्यूरिंग माई सर्विसेज तो आई वुड ट्राई कि मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा प्रिपेयर करूँ। तो ये थे मोइन खान, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पास किया, और पास नहीं किया बल्कि उसमें टॉपर भी रहे। और इनका ये कहना है कि अगर कुछ हासिल करना है, अगर आपके कुछ गोल्स हैं, तो आपको हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक इंसान का लक भी होता है। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशिक हुसैन के साथ।